हेलो बच्चों कैसे आप सब एंड वेलकम टू गर्मा गोयल बायोलॉजी इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो लास्ट वीडियो पे बच्चों ने काफी सारे कमेंट्स किया मुझे लगता है वी नीड टू एड्रेस दोज थिंग्स तो इसलिए एक कंप्लीट इंफॉमेशन वीडियो में बना रही हूँ कीम रजिस्ट्रेशन को लेकर आखिर हमें भरना चाहिए या नहीं ठीक है बहुत बवाल मचा बहुत लोगों ने बना दिया बट इट्स ओके वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर यू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सच अपडेट स्टेट्स ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो जो सबसे ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस मिले बच्चों के वो पहला क्वेश्चन था इज दिस फॉर्म फॉर अदर स्टेट्स क्या अदर स्टेट्स के बच्चे से भर सकते हैं जो केरला के नहीं हैं पहला दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिला कैन अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन केरला क्या जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं क्या वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं या ये सिर्फ प्राइवेट के लिए है ठीक है तीसरा जो क्वेश्चन मिला कैन वी अप्लाई टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या हम यहाँ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं तो फिर कितनी सीट्स हैं ठीक है थीके? तो आइए ये सारे क्वेश्चन के मैं आंसर्स आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में प्लस क्या फीस स्ट्रक्चर है अगर हम प्राइवेट में जा रहे हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो डाउट है उसका आंसर है

If they want to apply for और आप केरला के नहीं हैं, तो आप ये फॉर्म मत भरिए क्योंकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट आपको वहां से नहीं मिलेगी इस फॉर्म से ठीक है बट देर काउंसिलू एनसी अंडर फिफ्टीन परसेंट ए 15% क्यू बट अगर आपको इनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना तो यू नीड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स और जो पंद्रह परसेंट ऑल को इंडिया कोटा होता है वहां से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि सीट्स एंड अदर स्पेशल रिजर्व कैटेगरी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस बोथ ठीक है हाउ ठीक है बच्चों अब आते नेक्स्ट क्यालाइट के के नॉन कैरलाइट कौन है ये कैसे डिसाइड होगा तो कैरलाइट वो है अंडिडेट ऑफ केरला ओरिजन या तो आप केरला में पैदा हुए हो ठीक है, डीम टू बी कैरलाइट एज पर ज्यू ठीक है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है और आपका जो सर्विस है उसकी पोस्टिंग आपकी हुई है केरला में तो उसके हिसाब से भी आप कैरलाइट हो जाते हो ठीक है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए

A candidate who has undergone qualifying course in Kerala, ठीक है? Who is son daughter of non Kerala who are serving or served government of Kerala for a minimum period of period of two years. मतलब कि आप Kerala के नहीं हैं, but आपके मम्मी पापा ने दो साल की वहाँ पे service भी की है Kerala में, तब भी आप consider हो जाएंगे Keralaite में. A candidate who is not of Kerala origin,

कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बोथ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर सिदा यूनानी एंड कॉलेजेस ठीक है ये सारी चीजें आप एलिजिबल हैं अगर आप टू कैटेगरी में आ रहे हैं कौन-कौन कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू मेडिकल एंड मेडिकल एलाइड

टू सेवन रूलर एरियाज अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा जिससे आपको रूलर सर्विसेज भी करनी होगी ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कट ऑफ 600 प्लस पे प्राइवेट मिल रहे हैं भाई पढ़ लो निकम्मों इससे अच्छा यस ट्यूशन फीस कितनी है 6 लाख से 10 लाख पर ईयर ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में पर ईयर की बात हो रही है ठीक है आप पूरी कैलकुलेट कर लो सो कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस रेगुलरली फॉर नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट ब्रोशर पूरा पढ़ लेना नॉन केरलाइट कैटेगरी के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा ब्रोशर शेयर कर दूंगी प्रॉस्पेक्टस शेयर कर दूंगी ठीक है तो इसे घबराने की बात नहीं है आई होप मैंने काफी सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हूँ नहीं भी हुए हूं कुछ क्वेश्चन क्लियर तो कॉमेंट सेक्शन आपके भरने में आप लोग एक्सपर्ट भर देना मेरे बच्चों फिर रिसर्च करेंगे फिर वीडियो बनाएंगे ठीक है बट तब तक करते रहेंगे काम जब तक हमारे बच्चों के हाथ में सॉल्यूशन ना आ जाए ठीक है मेरे बच्चों तो थैंक यू सो मच फॉर मी इन दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग लेट पीपल कॉपी एंड लेट थिंग्स हैपन ठीक है चलो थैंक यू सो मच